भाई अजय देवगन चीज़ क्या है? और सबसे पहले जानना चाहता हूँ, अजय देवगन जो है कोई बड़ी बड़ी मूवी में काम नहीं कर रहे, वो जिस मूवी में काम कर रहे हैं वो मूवी बड़ी हो जा रही है, ये मेरा मानना है। सो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैदान मूवी के बारे में। मैंने ये मूवी देखी है, मुझे ये मूवी कैसी लगी और आपको ये मूवी कैसी लग सकती है, क्या ये आपका टाइम वेस्ट करने वाली है या आपका पैसा वसूल करने वाली है, इसी बारे में बात करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक बार फिर से कह रहा हूँ, एंड तक ज़रूर देखना। सो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टोरी से। स्टोरी रहता है यहाँ पे सैयद अब्दुल रहीम जी के ऊपर में, जहाँ पे यहाँ पे इनके रोल का नाम रखा गया है रहीम साहब। और रहीम साहब एग्जैक्टली क्या करते हैं, स्टोरी एग्जैक्टली किस बारे में दिखाई जाती है? स्टोरी उस वक्त की है जब 1947 जब देश आज़ाद हुआ है, उसके कुछ साल के बाद यानी 5-6-7 साल के बाद में जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट चल रहा होता है कि देश जो है बंटवारा तो हो चुका है लेकिन अभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच में वो तनाव अभी भी कायम है। और रहीम साहब के ऊपर में वो सारी चीज़ें किस तरह से होती है और उन्होंने एक्चुअली में क्यों ऐसा सोचा कि जो इंडिया है और ख़ास करके कलकत्ते से, और जिस तरह से वो अपने एक टीम को कोच करने का सोचते हैं और पूरी इंडिया से पूरी एक नई टीम बना करके इंडिया को नाम दिलवाना चाहते हैं फुटबॉल स्पोर्ट्स के ज़रिए, उस चीज़ को जिस तरह से दिखाया जाता है भाई अमेजिंग लगता है। और यही स्टोरी जो है आपको देखने को मिलेगी पूरी फिल्म के अंदर में। अब एक मैच होता है 1951 के टाइम पे और दूसरा मैच होता है 1962, यानी 10 साल का जो गैप रहता है, 10 साल के बाद जो मैच जीता जाता है, क्या वो सही तरह से जीता जाता है, क्या वो पूरी तरह से सक्षम हो पाते हैं अपनी पूरी टीम को बनाने के लिए, क्योंकि वो देश के अलग अलग हिस्से में जाकर के अलग अलग लोगों को उठाकर लाते हैं। और इन सारे प्रोसेस के बीच में, इन सारी चीज़ों के बीच में उनकी देशभक्ति और उनका फुटबॉल का लेकर के प्यार, स्पोर्ट्स को लेकर के प्यार और एक टीम को कोच करने का जो उनका जुनून रहता है वो देखने को मिलता है। और इस चीज़ को अगर किसी ने सही तरह से निभाया तो वो अपने अजय देवगन है, जिसके वजह से मैंने कहा कि अजय देवगन मूवी बड़े बड़े नहीं कर रहे हैं, वो जिस मूवी को कर रहे हैं वो मूवी बड़ी हो जा रही है। बाय द वे मैदान मूवी जो है 2020 में ही आ चुका था इसका अपडेट और 2021 तक रिलीज होने वाली थी लेकिन लॉकडाउन के वजह से नहीं आ पाई थी। लेकिन वो सारी कमियों को जो है दूर करते हुए देखे जा सकते हैं। जब आप मूवी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस ग्रैंड तरीके से उसकी स्केलिंग रखी गई है, किस तरह से उसके VFX पे काम किया गया है, जो चीज़ दिखाए जाते खास करके वो क्राउड हो या 11 की 11 टीम को जो है इकट्ठे एक फ्रेम में लाना हो या फिर स्पोर्ट्स को लेकर के। मैं अपना बताता हूँ कि इस मूवी को देखने का एक्सपीरियंस एग्जैक्टली क्या होता है। मुझे स्पोर्ट्स से कोई लेने देना नहीं है, मैं कभी भी क्रिकेट या फिर फुटबॉल को लग करके नहीं देखता हूँ। मुझे खेलने में मज़ा आता है लेकिन देखने में नहीं आता, और मुझे स्पोर्ट्स का लेकर के उतना ज़्यादा भी कुछ अंदर से रहता नहीं है। लेकिन मूवी के अंदर में जिस तरह से सिनेमैटिक तरीके से स्पोर्ट्स को दिखाया जाता है, उसको देखने के बाद आप एज ऑफ द चेयर में बैठ करके पूरा एक्सपीरियंस लेना शुरू करते हो। और जो चीज़ आपको नहीं भी पता है, भले से आपको फुटबॉल के बारे में नहीं पता हो लेकिन उसके बावजूद भी वो क्यूरियोसिटी और वो सारी चीज़ें अंदर से निकाल करके रखना कि ये जज्बा आपको बाहर लाएगा, ये चीज़ दिखाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस मूवी को देखते समय मुझे एक बार चक दे इंडिया और दूसरी बार में गोल्ड की याद आ जाती है। बॉम्ब वाला जो टच है वो गोल्ड की वजह से आता है, और जहाँ पे एक कोच की जुनून की बात आती है वहाँ पे वो कबीर याद आ जाता है जो शाहरुख खान चक दे इंडिया में दिखाते हैं। यहाँ पे भी भाई डायलॉग उफ, मतलब लिटरली गूज़बम देता हुआ दिखता है। मुझे तो एक सबसे बेस्ट डायलॉग लगता है, जो चीज़ के बारे में आपको पता नहीं उस बारे में बात करना सही नहीं हो सकता, तो भाई वो चीज़। यहाँ पे गजराज राव भी दिखेंगे, ये एक ऐसे पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि भाई हमेशा उंगली करते रहते हैं और आखिर में जाके कहते हैं कि भाई देखा था मैंने, कहा था ना एक दिन ये कुछ करके दिखाएगा, ये वो वाला कैरेक्टर है जिसको देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चिड़ तो होगी लेकिन उस चिड़ के वजह से मैं कह रहा हूँ उनका परफॉर्मेंस इसी वजह से झलकता है कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। बाय द वे पूरी टीम की अगर बात की जाए तो ये पूरी की पूरी टीम जो है जहाँ तक मुझे लगता है ये ऑब्वियसली एक खिलाड़ी है ऑलरेडी, मतलब फुटबॉल प्लेयर है, उसके बाद से मुझे लगता है कि सेकेंडरी इनका एक्टिंग होगा, क्योंकि इनकी जो खेल जो दिखाए जाते हैं, जिस तरह से ये फुटबॉल को लेके खेलते हैं उससे समझ में आता है ये एक्टर नहीं है बॉस, ये एक रियल खिलाड़ी है। तो ओवरऑल इन सारे प्रस्पेक्टिव के ऊपर में ये एकदम फिट बैठती है, भले से वो डायरेक्शन का डिपार्टमेंट हो, एक्टिंग का हो, इमोशन का हो, या फिर आपको स्पोर्ट्स ड्रामा देख रहे हो, स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी देख रहे हो, उसके अंदर में स्पोर्ट्स की जो चीज़ होनी चाहिए वो सारी चीज़ ओवरऑल मिला करके सब कुछ परफेक्ट लगता है, मुझे एटलीस्ट परफेक्ट लगता है। मूवी की लेंथ ज़्यादा नहीं है, आपको लगभग 2 घंटा 2 घंटा 10 मिनट तक का टाइम लगेगा, एकदम क्रिस्प सा डायरेक्शन रखा है जिसके वजह से आपको कहीं पे भी बोर नहीं करती है। सो ओवरऑल दिस इज़ अ ब्लॉकबस्टर मूवी मेरे हिसाब से, एंड अजय देवगन एक बार फिर से जो है कमाल कर चुके हैं। अब देखते हैं कि एक तरफ में जो है मसाला इंटरटेनिंग मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दूसरी तरफ में ये, तो मेरे दिमाग में अभी यही रह जाने वाला है। बाय द वे आपने कौन सी मूवी देखी है और कौन सा देखने वाले हो? अगर आपने मैदान देखा तो बताओ कमेंट सेक्शन पे कि आपको कैसा लगा है। अजय देवगन के फैन हो तो भाई नीचे में हाजिरी लगा करके जाना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक मिनट एक चीज़ में बताना भूल गया हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक
जी जो अपना जीत के ऊपर में जो गाना लिखा गया है, इंडिया है हम, जो गाना है भाई फाड़े, ए आर रहमान वॉज ज़बरदस्त ऑन दिस। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना चाह रहा था। सो दैट्स इट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।